नमस्कार, मैं हूं सुदब खान। आप देख रहे हैं News 21 TV। आइए देखते हैं ये खास खबर। युवा नेता मनमोहन पठाना ने 20 गांव का दौरा कर अवतार पठाना के लिए वोट मांगे। अगर बात करें लोगों के रुख की, तो उन्होंने बताया कि युवा एक साथ मिलकर कांग्रेस को जिताने के लिए कड़कती धूप और गर्मी में मनमोहन पठाना के नेतृत्व में प्रचार कर रहे हैं, और सभी युवाओं ने एक साथ मनमोहन पठाना जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा कि बीजेपी युवाओं को रोजगार देने में फेल रही है और कांग्रेस आने पर राहुल गांधी ही युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। मनोज, चुनाव खत्म होने में से 7 दिन बचे हुए हैं और कांग्रेसियां अभी भी अपनी ऐसी गाड़ियों से बाहर निकल कर नहीं आए, ऐसा आरोप लगता है, जनता कहती है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? साहब, देख रहे हैं सारे कांग्रेसी हैं और इस समय 3:30-4 का टाइम हो रहा है और कितनी धूप है। ये तो सब जो है ना, ये बनावटी बातें जो विरोधी लोग हैं वो लोग फैलाते हैं। कांग्रेसी तो जमीन से जुड़ा हुआ जो कार्यकर्ता है हमारे देश का, किसान मजदूर गरीब जो है वो कांग्रेसी, जो गरीब तबका है सारा जो है कांग्रेसी है। और आप देख रहे हैं धूप और धाप में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ाना जी, कितनी जीत मान करके आप चल रहे हैं? देखो, बहुत बदलाव है सुनिश्चित तौर पर जो है ना। फरीदाबाद की जनता, फरीदाबाद का जो मेरा परिवार है सारा यही ठान कर बैठा हुआ है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लाना है, अवतार बढ़ाना जी को यहाँ से जिता कर। अवतार बढ़ाना। लेकिन युवाओं में अभी भी एक है कि अगर मनमोहन बढ़ाना होता तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं, मनमोहन बढ़ाना पहले भी युवाओं के साथ था और आगे आने वाले समय में भी युवाओं के साथ रहेगा। बिल्कुल वो इस बात का कहीं भी अपने दिल पर ना ले, उनके साथ ही हूँ और जहाँ मुझे ले जाना चाहे हाथ पकड़कर मेरा ले जा सकते हैं। सभी युवाओं से ये कहूँगा कि यही समझ ले कि उनका भाई, उन्हीं का जो है दोस्त आगे चुनाव में है और वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अवतार जी को यहाँ से जिताएं। सर, युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे आप? सभी युवाओं से ये कहूँगा कि ये जो डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा त्योहार है, इसमें आपका जो राइट है, राइट टू वोट, इसको व्यर्थ ना जाने दें। सभी भाइयों से कहूंगा अपनी अपनी वोट सुबह सबसे पहले जो है अपनी वोट डाल कर आएं और इस पर्व को बढ़िया तरीके से और मजबूत कराएं। वोट डालेंगे जब भी तो कांग्रेस को देंगे।